से सच और पत्ते की बात सुनना इसी पसंद है। झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने के होलसेलर के साथ साथ झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर भी है। सारे देश की संपत्ति को पैराडाइज कर दिया, आरक्षण का सदन खत्म हो गया। आज भाजपा के लोग चाहते हैं देश का संविधान बदलने का। देखिए असल मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गरीबी का है। हम मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। हमारा सबसे बड़ा मुद्दे दुश्मन है तो बेरोजगारी है, हमारा सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो गरीबी है, हमारा सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो पलायन है, महंगाई है। इसलिए आप सब लोग देखिए कि 10 साल में मोदी जी ने केवल झूठ बोला है, पूरे देश का नहीं अगर दुनिया का सबसे अगर कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने के होलसेलर के साथ साथ झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर भी है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर का भी हलवा बना देते हैं। उनका झूठ सुनियो यार, उन्हीं के भाषण सुनाने आए। इनका मुद्दा इतना है महंगाई के लिए शब्द बोलने को तैयार दे अरे गरीब के बोल छोड़ नहीं करता है, बच्चा रात रात रहता है और किसी तरीके से और सही से कहता हूं गरीब के घर में बोलो यार, ये गरीब का हाल बोल दिया वो करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है घर से मैं 400 काम करके जाऊँ See you.
बाबू से सच और कुत्ते की बात सुनना ये सब असंभव है। केवल झूठ बोलते प्रधानमंत्री जी हर जगह झूठ बोलते कोई काम नहीं किया इन्होंने, उल्टा भ्रष्टाचारियों को डरा करके जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में चले जाते मंत्री बना दिए जाते हैं, जो वो लड़ता है इनसे मुकाबला करता है जनता की आवाज उठाता है सच बोलता है उसको जेल भिजवाना केस मुकदमा कराना सीबीआई ईडी लगवाना। आज हम लोगों के पीछे लालू जी को जेल भेजा, हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, तेजस्वी पे 50 मुकदमा सीबीआई ईडी का इनके टाइम पे किया और एक मोदी जी जब लालू जी ने इनके तो लालू जी को लेकर आ गए और जेल जेल से किसने लगाते हमारे तो भगवान ही जेल में जन्म लिए। भाजपा वाला लोग देश को बेच रहा है लेकिन भाजपा इतना भ्रष्टाचार कर रहा है बलात्कारियों को विदेश भगा दे रहा है। यही भाजपा का कर्नाटक का एमपी एनडीए का एमपी 3000 लड़की बहनों के साथ शोषण किया चुनाव लड़ा चुनाव खत्म होते विदेश भाग गया। वाह मोदी जी वाह, उसके लिए आप कुछ नहीं कुछ दिन पहले मोदी जी वोट मांग रहे थे वोट के घर जा रहे थे मोदी जी, लेकिन आज विदेश भाग गया 3000 महीनों का शोषण किया तो आज कुछ नहीं बोलो अग्रोधी मीडिया चुप है गोधी मीडिया चुप हो जाती है उसने इन सब पर तो कब्जा ना हो गया हर चीज का खैर यहां पे क्या बोलना। हमने 17 महीने में तेजस्वी ने जो कहा वो किया 5 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी दिया 3 लाख नौकरी 3 लाख नौकरी प्रत्याधीन करके आए 4.5 लाख शिक्षकों को सरकारी करने का दर्जा दिया और ममता भुइयां जी की तैयारी लालू जी राहुल जी हेमंत सोरेन का तेजस्वी का आग मजबूत होगा और हमारी जब केंद्र में सरकार बनेगी तो पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम दिलाने का काम करेंगे। नौजवान है पढ़ी लिखी है हम लोगों का पूरा समर्थन ममता भुइयां जी को है और यही की है पलामू की बेटी रहता हूं है इनके आशीर्वाद दीजिए और जो लोग हैं सांसद यहां के कहां के हैं ये तो लोकल हमारी प्रत्याशी है पलामू की बेटी है कहां जाएगी घर में ही रहेगी आपके दुख सुख दुख में काम आएगी। इसलिए आप सब लोगों से यही कहते हैं उधर धन बल है इधर जन बल है इस पर पलामू की जनता को फैसला लेना है कि धन बल वाले को जिताएगी कि जन बल वाले लोगों को जिताने का काम होगा। तो जिताएगी नहीं जिताना सभी लोग उधर ऊपर से भी इधर से भी तो हाथ ऊपर करके बताइए तो चुपचाप जो समाज आवाज चाहिए लड़ते चुपचाप भाजपा बढ़ाओ भाजपा बढ़ाओ भाजपा बढ़ाओ पलामू की जनता सिकंदराबाद सिकंदराबाद सिकंदराबाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।